नमस्कार मित्रों, आपको थोड़ा हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड की समय के अंदर हमने थोड़ा अध्यक्ष जी की अनुमति से आपके साथ मिले। मैं मंच का ही परिचय करा देता हूं औपचारिक तरीके से। आज हमारी उत्तर प्रदेश की चुनाव की मद्देनजर हमारी एनडीए उत्तर प्रदेश इकाई की बैठक हुई थी, जिसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, केंद्रीय गृह मंत्री, हम सभी के नेता आदरणीय अमित शाह जी, उत्तर प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, दोनों उप मुख्यमंत्री द्वय तथा हमारे लंबे समय से एनडीए की सहयोगी अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्षा केंद्रीय मंत्री आदरणीय अनुप्रिया पटेल जी तथा उनकी पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता तथा हमारी एनडीए की दूसरे प्रमुख सहयोगी उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय की आंदोलन की एक छवि डॉक्टर संजय निषाद जी, निषाद राज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबी और उनकी प्रमुख और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय स्वतंत्र देव जी भी रहे। आज उस संबंधित कुछ औपचारिक घोषणाएं एनडीए की ओर से हमारे तीनों दल की आदरणीय अध्यक्ष महोदयों ने करना है। मैं आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने के लिए पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हम सभी के नेता आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी को विनती करता हूं। मित्रों जैसा कि अभी धर्मेंद्र जी ने आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में एनडीए के साथ, अपने पार्टनर्स के साथ चुनाव में उतर रही है और लोकसभा में भी हम सब लोग साथ चुनाव में उतरे थे और यह विधानसभा के 2022 के चुनाव 2022 में हम एक साथ उतर रहे हैं। अपना दल और निषाद पार्टी, इनके साथ हम इस चुनाव में एनडीए 403 सीटों पर गठबंधन जो हमारा है वो चुनाव लड़ेगा, ऐसा निर्णय हुआ है। पिछले 2-3 दिनों में निषाद पार्टी के साथ और अपना दल के साथ बहुत डिटेल में चर्चा हुई है और सीट्स के बारे में भी चर्चा हुई और कहां कहां कौन कौन कंटेस्ट करेगा इसके बारे में भी चर्चा हुई है। डिटेल्स हम आपको उसके बारे में बाद में देंगे, लेकिन हम एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं 403 सीटों पर, यह बात इस गठबंधन में चर्चा होकर के तय हुई है। हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में देश में एक मंत्र लेकर के चली है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। और यही सबका साथ सबका विश्वास और सबका विकास, इस काम को हम लोगों ने अमली जामा उत्तर प्रदेश में भी इसको पहनाया है, इसको किया है। लेटर और स्पिरिट में सबको साथ लेकर के चलने का जो हमारा मंत्र था उसको हम लोगों ने पूरा किया है और उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ने विकास के नई छलांग लगाई है और उत्तर प्रदेश को एक मोमेंटम दिया है विकास का और सभी समाज के वर्गों को साथ लेकर के चलने का जो प्रण था उसको पूरा किया है। जब हम डबल इंजन की सरकार कहते हैं तो उससे स्पष्ट होता है कि केंद्र का आशीर्वाद, सपोर्ट, मोदी जी का सपोर्ट और योगी जी के द्वारा उसको लेटर और स्पिरिट में इम्प्लीमेंटेशन, उसको जमीनी स्तर पर इम्प्लीमेंट करने में बहुत बड़ा काम योगी सरकार ने किया है, जिसके कारण हमको धरती पर एक परिवर्तन और एक, जिसे हम कहते हैं कि एक विकास की नई कहानी देखने को मिलती है, यह हम सबके सामने है। अगर हम विकास की बात करें तो आपके सामने ऑप्टिक्स में भी आपको दिखता होगा
कनेक्टिविटी के बारे में, फिर चाहे कनेक्टिविटी रोड कनेक्टिविटी हो या मेट्रो की कनेक्टिविटी हो या फिर हमारे स्टेट हाईवेज भी हो, एक कनेक्टिविटी में बहुत तीव्र गति से पिछले 5 सालों में मोदी जी के आशीर्वाद से और योगी जी के द्वारा जमीन पर वो काम हुआ है। उसी तरीके से अगर हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में भी एक तरीके से एक बहुत बड़ा चेंज आया है और आज एजुकेशन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश एक आगे बढ़ता हुआ स्टेट दिखता है, और विशेष करके मेडिकल एजुकेशन में, उसमें हम सबको दिखता है, हेल्थ केयर तो है ही, एजुकेशन हेल्थ केयर ये सब विषय तो है ही, सोशल इंडिकेटर्स के भी विषय हैं। सभी विषयों में एनडीए की सरकार ने और उत्तर प्रदेश में इस गठबंधन ने बहुत तीव्र गति से काम किया है। उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट की बात अगर हम कहें तो आज उत्तर प्रदेश हैज बिकम ए डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट। वहां एक बहुत परिवर्तन दिखता है। एक समय में जहां लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स को वापस ले रहे थे, वहां से पलायन कर रहे थे, आज वहां इन्वेस्टमेंट का डेस्टिनेशन बना है। तो यह पॉलिटिकल माहौल जो खड़ा हुआ है उसके कारण हुआ है। और विशेष करके जब हम सबका साथ कहते हैं तो गरीब कल्याण ये हमारा मंत्र रहा और उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। फिर उसमें स्कीम्स लाइक उजाला, उज्ज्वला, सौभाग्य, आयुष्मान, ये सारी स्कीम्स उसमें आती हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, हमारे लेबरर्स के लिए जो वापस जा रहे थे उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देना, उनको एम्पावर करना, ये सारी चीजें वहां पर हुई हैं। और महिलाओं को और युवाओं को फोकस में रख करके काम पिछले 5 सालों में हुआ है, ये हम सबको दिखता है। जहां तक लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, हमारे चुनाव में लॉ एंड ऑर्डर, विकास, सबका साथ सबका विश्वास, सबका विकास ये तो है ही, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा विषय उत्तर प्रदेश में है। और जब मैं लॉ एंड ऑर्डर की बात करता हूं तो मैं बार बार लोगों को याद दिलाता हूं कि 5 साल पहले का सिनारियो याद कीजिए। पलायन हो रहा था, पलायन के साथ साथ वहां पर शाम को 5 बजे के बाद साधारण तरीके से लोगों का जो रोजमर्रा जीवन के होता था वो थम जाता था, किडनैपिंग्स हो रही थी, हर एक तरीके के वहां माफियाज एक्टिव थे और माफियाज और सरकार का नेक्सस था और उनके सपोर्ट से वो काम चल रहा था। ये सारी चीजें 5 साल में समाप्त हुई हैं। आज रूल ऑफ लॉ है और उसके साथ साथ एक जिसको कहते हैं कि आम आदमी चैन से जी सकता है, काम कर सकता है, आगे बढ़ सकता है, अपॉर्चुनिटीज को यूटिलाइज कर सकता है, ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वहां पर डेवलप हुई है, वो भी हम लोगों को देखने को मिला है। और इसीलिए हम लोगों ने इस बात को कहा कि जो कहा था वो किया है, उसको करके दिया है। और जब हम सोच ईमानदार कहते हैं तो काम असरदार है, सोच ईमानदार है, काम असरदार है, इस बात को लेकर के हम आगे चले हैं, उसको हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं आपके सामने आज इसलिए आया था क्योंकि हमारे दो दल जिनके साथ सारी डिटेल्स में बातचीत होकर के हम निर्णय पर पहुंचे हैं कि हम इकट्ठे चुनाव लड़ेंगे, तो उसकी बारे में फॉर्मली आज हम घोषणा कर रहे थे। तो मैंने कहा कि मैं भी आप लोगों के साथ मुखातिब होकर के इस बारे में चर्चा करूं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपना दल की हमारी नेता अनुप्रिया पटेल जी से कि वो अपनी बात को रखें। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आए हुए मेरे सभी मित्रों, आप सभी को सादर नमस्कार। मेरी पार्टी अपना दल एक लंबे समय से एनडीए गठबंधन का हिस्सा है और अपना दल और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की ये जो यात्रा है, पिछले 3 चुनाव से 2017, 2014, 2019
निरंतर एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ी है। उत्तर प्रदेश की जनता का हमें अपार भरोसा, विश्वास, समर्थन इन तीनों चुनावों में प्राप्त हुआ है और हमारे संयुक्त गठबंधन से जो ताकत उपजी उससे देश और प्रदेश में एक ऐसी मजबूत सरकार का निर्माण भी हुआ जिसका नेतृत्व उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी और देश में हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, जिसने डबल इंजन के साथ तेज गति के साथ काम किया, देश का विकास हुआ, प्रदेश का विकास हुआ। और जहां एक ओर उत्तर प्रदेश और देश की विकास यात्रा आगे बढ़ी, वहीं दूसरी ओर सामाजिक न्याय की अवधारणा भी और प्रबल हुई। उत्तर प्रदेश के अंदर जो विकास हुआ उन बातों को बड़े विस्तार पूर्वक आदरणीय नड्डा जी ने रखा है, मैं उन बातों को दोहराऊंगी नहीं, लेकिन सामाजिक न्याय के पक्ष पे कुछ बातों को आप सबके समक्ष रखना मैं बेहद जरूरी समझती हूं। मेरा यह मानना है कि अपना दल और भारतीय जनता पार्टी का यह गठबंधन, और आज हमारे आदरणीय डॉक्टर निषाद जी भी हमारे साथ में है, निषाद पार्टी भी हमारे साथ में है, ये जो हमारा एनडीए का गठबंधन है ये विकास और सामाजिक न्याय का एक बहुत ही बेहतरीन कॉकटेल साबित हुआ है। उत्तर प्रदेश को दोनों की आवश्यकता है, विकास की भी, सामाजिक न्याय की भी। मेरी पार्टी अपना दल ने अपनी स्थापना के समय से हमारे संस्थापक यशकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के मार्गदर्शन में सदैव समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के हक, अधिकार, भागीदारी के लिए संघर्ष किया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके साथ आकर हमने ये महसूस किया कि सामाजिक न्याय की चिंतन धारा को और मजबूत करने का हमें अवसर मिला है। विषय चाहे ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने का हो, जिसकी मांग बरसों से देश की संसद के अंदर हो रही थी, लेकिन उस पर पूर्व की सरकारें कभी भी ध्यान नहीं दे रही थी, या विषय हमारे सैनिक स्कूलों में, नवोदय स्कूलों में या सेंट्रल स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया में पिछड़ा वर्ग के छात्रों को आरक्षण देने का हो, या हमारे सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में 200 पॉइंट रोस्टर प्रणाली की वापसी का हो, बहाली का हो, ओबीसी की क्रीमी लेयर को 6 लाख से आगे बढ़ाकर 8 लाख तक ले जाने का हो, या एक विषय जो हाल ही में आप सबके संज्ञान में आया, नीट की परीक्षा में एमबीबीएस और पीजी के एडमिशन्स में अखिल भारतीय कोटा के तहत पिछड़ों के 27% आरक्षण को लागू करने का हो। ये सारे ऐसे विषय हैं जिस पर अपना दल भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एकमत रही है। माननीय मोदी जी ने हर इस लंबित समस्या का समाधान किया है, अपना दल ने निरंतर इन मसलों को देश की संसद के पटल पे उठाया है, और यहां तक कि हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर एक विषय लंबे समय से आप सबकी जानकारी में भी था, 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण के नियमों की विसंगति हुई थी उसका भी समाधान उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हुआ है। मेरा सवाल आज उन तमाम दलों से है जो पिछड़ों की नुमाइंदगी करने का आज तक दावा करते आए हैं, एक उदाहरण के माध्यम से नीट परीक्षा का। आप सभी जानते हैं कि 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय लिया था कि एससी एसटी के लिए नीट की परीक्षा की प्रवेश प्रक्रिया में आरक्षण की व्यवस्था को लागू किया जाएगा, और उस वक्त ओबीसी को रिजर्वेशन देने का जिक्र कहीं भी नहीं आया था। देश में यूपीए की सरकार थी 148 सीटों की, और ऐसी तमाम पार्टियां जो सामाजिक न्याय की बात करती हैं वो बाहर से या सरकार में शामिल होकर समर्थन देने का काम कर रही थी, लेकिन उस वक्त नीट परीक्षा का वो स्वरूप जिसमें ओबीसी आरक्षण लागू नहीं है, ऐसे तमाम दलों ने उसको स्वीकार किया, जबकि वो चाहते तो इस समस्या का समाधान करा सकते थे, क्योंकि उस वक्त की सरकार
ऐसे ही पिछड़ों की और सामाजिक न्याय की नुमाइंदगी करने वाले तमाम दलों की बैसाखियों पर टिकी हुई थी। लेकिन अफसोस की बात है कि पिछड़ों के नाम पर प्रतीकात्मक राजनीति करने वाले दलों ने उस वक्त नीच के उस स्वरूप को स्वीकार किया और ओबीसी के आरक्षण को लागू करने की बात नहीं की, लेकिन हमारी सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने नीट की परीक्षा के अंतर्गत अखिल भारतीय कोटा में ओबीसी का 27% आरक्षण लागू करने का ऐतिहासिक निर्णय किया है। यह एक उदाहरण है, ऐसे तमाम उदाहरण हैं जो हमारे सरकार ने किए हैं। मैं आपको यहां यह भी बताना चाहूंगी कि संविधान संशोधन करके राज्यों को ओबीसी सूची के निर्धारण का भी अधिकार यदि किसी ने दिया है तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। यहां तक कि देश के अंदर संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर जी के नाम पे भी बहुत राजनीति हुई, लेकिन उनकी कर्मस्थली से लेकर उनकी जन्मस्थली को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने का अगर किसी ने काम किया है तो यह इच्छा शक्ति भी देश के प्रधानमंत्री जी ने दिखाई है। डॉक्टर अंबेडकर जी के जीवन से जुड़े हुए तमाम स्थलों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित करने का महान काम मोदी जी की सरकार ने किया है। हमारी सरकार की ऐसी तमाम कल्याणकारी योजनाएं 2014 से लेकर आज 8 वर्षों में निरंतर संचालित हुई है, चाहे वो आवास योजना हो, चाहे वो स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय निर्माण की योजना हो, स्टार्टअप्स हो, व्यवसाय हो, जिसका लाभ सीधे रूप से जो समाज के अंतिम पंक्ति पर खड़े हुए लोग हैं उन तक पहुंचा है, जो दलित है, जो आदिवासी है, जो पिछड़े हैं। मोदी जी की सरकार ने जनजातियों को वन उत्पादों पर एमएसपी का लाभ दिया है। मोदी जी की सरकार ने यह निर्णय किया कि सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा 4% सामान एससी एसटी उद्यमियों से खरीदारी की जाएगी, ऐसी नीति हमारी सरकार ने बनाई है। दलितों पर होने वाले अत्याचारों की सूची में अलग अलग अपराधों की संख्या को 22 से बढ़ाकर 47 करने का काम भी मोदी जी की सरकार ने किया है और दलितों को मिलने वाली सहायता राशि भी 85,000 से बढ़ाकर 8,25,000 रुपए तक करने का काम मोदी जी की सरकार ने किया है। ऐसे तमाम दलित, पिछड़े, आदिवासी और कमजोर वर्गों के हितों और कल्याण से जुड़े हुए काम हैं जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सरकार ने किए हैं। और आज हम सब ने मिलकर यह तय किया है कि हमारा ये एनडीए का गठबंधन, अपना दल भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी का गठबंधन, जो विकास और सामाजिक न्याय के इस गठबंधन को आगे बढ़ाने के नाम पे बना है, इसको हम आने वाले 2022 के चुनाव में भी और आगे लेकर जाएंगे, क्योंकि सामाजिक न्याय के विषय से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं का समाधान मोदी जी ने किया है, योगी जी ने किया है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे विषय हैं जिसमें से एक विषय हमारी पार्टी, अपना दल निरंतर उठाती आ रही है कि भारत सरकार में पिछड़ों का एक अलग से मंत्रालय बनाया जाए, और ऐसे और भी तमाम विषय हैं जिस पर हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम भविष्य में इसमें भी सरकार की ओर से एक सकारात्मक रुख देख सकेंगे और इसलिए सामाजिक न्याय की अवधारणा को और मजबूती प्रदान करने के लिए हम सभी ने तय किया है कि हम एक बार फिर मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 के विधानसभा चुनाव में एक साथ मिलकर लड़ेंगे। और जिस तरीके से हमने 2017 से 2022 के बीच में एक नए उत्तर प्रदेश की तस्वीर गढ़ने का काम किया है, उत्तर प्रदेश के विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया है, और उत्तर प्रदेश जैसा महत्वपूर्ण राज्य जहां पिछड़ों की आबादी 50% से भी ज्यादा है, वहां हमने सामाजिक न्याय की अवधारणा को और मजबूत करने की दिशा में बहुत सारे कदम उठाए हैं। ऐसा अभी और कुछ और भी बहुत कुछ है जो हमें साथ में मिलकर करना है। उत्तर प्रदेश की 403 सीटों पर पूरी मजबूती के साथ अपना दल भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी, हम सभी मिलकर चुनाव लड़ेंगे भी, जीतेंगे भी और उत्तर प्रदेश को आगे लेकर जाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे डॉक्टर संजय निषाद जी निषाद पार्टी से आप वक्तव्य रखेंगे। आज इस प्रेस वार्ता में
उपस्थित एनडीए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, उत्तर प्रदेश के प्रभारी हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी, हमारे सहयोगी दल अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल जी और ढेर सारे साथी और पत्रकार बंधुओं को मैं धन्यवाद दूंगा कि दो साल पहले 2019 में मैं यहीं आया था और सहयोगी दल के रूप में मैंने यहाँ एक संकल्प लिया था कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास जो मंत्र है योगी जी का मोदी जी का, उसे भारत के निचले पावदान में रहने वाले लोगों तक पहुंचाना 2019 संकल्प लिया था, ऐतिहासिक जीत दिया। मैं आज फिर आपके साथ संकल्प दोहराता हूं कि 2022 की भी जीत एनडीए की उत्तर प्रदेश में पुनः स्थापित करके देने का काम करेंगे। आपको अवगत कराना है कि देश को आजाद कराने वाली 578 जातियां ऐसी थी जिनको अंग्रेजों ने क्रिमिनल कास्ट घोषित करके उन्हें कानून बनाकर उजाड़ा था, उनकी रोजी रोटी मकान सब छीने गए थे। अंग्रेजों ने छीना भी था लेकिन इस देश में पिछली सरकारें जो इस देश में कभी दलितों पिछड़ों अल्पसंख्यकों और सभी लोगों की नुमाइंदगी का रोना रोती रही या वो नेतृत्व करने का दम भरती रही लेकिन किसी ने उन्हें बिना भेदभाव के कोई काम नहीं किया। वो मकान बिना रह रहे थे, कपड़े बिना रह रहे थे, शिक्षा से कोसों दूर थे। ऐसे में बिना भेदभाव के पिछली सरकारें कैसे भेदभाव करती थी उसका जीता जागता उदाहरण उत्तर प्रदेश को देखा जा सकता। उसी की देन थी जब सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट लागू किया भारतीय जनता पार्टी ने, तो उसे पता चला कि जो पिछली सरकारों में चंगो मंगो थे उस सारी योजनाओं पर या सब पर कब्जा करके बाकी उत्तर प्रदेश की जो जनता थी उसे देखती रह गई। चाहे वो 27% आरक्षण पिछड़े के नाम पर आओ, चाहे 23% आरक्षण दलितों के नाम पर आओ। आज के बीच में मैं निषाद राज विराज महाराज के उस इतिहास की तरफ ले जाना चाहता हूं कि कभी राम और निषाद राज जब गले मिले थे तब दुनिया में शांति आई थी और एक ऐतिहासिक विजय प्राप्त किया था श्रीलंका पर। एक बहुत बड़ी आबादी मछुआ समुदाय की कोसों दूर थी जिसे उपेक्षित रखा गया था। समुद्री तटों पर समुद्र में जहाज लेकर जाते थे मछली मारने के लिए तो कभी श्रीलंका पकड़ लेता था, कभी आंधी तूफान आते थे उसमें खत्म हो जाते थे। मैंने अपील की भारतीय जनता पार्टी से, मैं मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने टेक्नोलॉजी से जोड़ा और आज के दिन में समुद्री मछुआरों को कभी कोई साइक्लोन या कोई ऐसी आपदा आने पर उन्हें सूचित किया जा सके, उनके जीवन बचाया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर भी उन्होंने दूसरे देशों से बात किया कि इस तरीके से मछुआरों को सुरक्षा दी जा सके। मत्स्य मंत्रालय के लिए कृषि मंत्रालय के अंदर था जिन्हें इनका विकास नहीं हो सकता था। मैं भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद दूंगा कि हम लोगों की उस बातों पर ध्यान दिया और मत्स्य मंत्रालय को अलग किया और मछुआरों को जो गरीबी से लाचारी से बेकारी से घूम रहे थे जिनके ऊपर अंग्रेजों ने अत्याचार तो किया ही था, इन लोगों ने भी भेदभाव किया। संविधान में मिला हुआ जो हक था उस पर भी डाका डाला, उन्होंने नाम विसंगति इतनी पैदा की कि कहीं अर्धगुमंतु कहीं पिछड़े में कहीं अनुसूचित जात में कहीं जनजाति में अलग अलग बांट कर रखा था। आज मत्स्य मंत्रालय अलग किया, उन्हें फ्री का बीमा देने का काम किया। पहली बार है कि प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के अंतर्गत उन्हें 20,000 करोड़ रुपए यहां से आवंटित करके उनके विकास के लिए काम किया। आज के दिन में उनके जो भी मुद्दे हैं चाहे वो आरक्षण संबंधी मुद्दे हो, चाहे संवैधानिक विसंगति हो, चाहे जो भी आर्थिक मुद्दे हो, वो सारे हल करने का प्रयास धीरे धीरे हो रहा है। 70 साल से उठाया गया मुद्दा सुलझाने के प्रयास में हो रहा है। मैं धन्यवाद दूंगा बधाई दूंगा कि आज के दिन में पिछली सरकारों में कभी एक पन्ने की मांग की जाती थी किसी मंत्री के द्वारा तो सरकारें मंत्रालय छीन लेती थी कि मछुआरों की बात क्यों उठाते हो।
और क्यों उनके कागज को लेते हो, नाम नहीं लूंगा, उसको देखकर 2014 से उत्तर प्रदेश में अभी माननीय हमारी अपना दल के नेता ने कहा कि किस तरीके से पिछड़ों के साथ धोखा हो रहा था और किस तरीके से पिछड़ा वर्ग आयोग अनाथ घूम रहा था। नौकरी में तो दे दिया था आरक्षण नाम का, लेकिन शिक्षा में कहीं आरक्षण नहीं था, लेकिन पिछड़ा वर्ग आयोग को संविधान में दर्जा देने के बाद सभी इंस्टीट्यूशन में, सभी क्षेत्रों के, सभी शिक्षा के क्षेत्रों में इन्हें आरक्षण का, उसका देन था कि 2014 से लगातार उत्तर प्रदेश में एनडीए जो है वो लगातार बढ़ रहा है। 2014, 2017, 2019 और 2022 में भी एनडीए की सरकार बनेगी, ज्यादा नहीं कुछ, हमारे अध्यक्ष जी ने सब कुछ कह रखे हैं। हम इतना ज्यादा कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश की जनता और 5 राज्यों का जो चुनाव हो रहा उसमें मैं जनता से अपील आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसे देर सवेर उसे सुलझाने का काम करती है, चाहे वो धारा 370 रहा हो, चाहे राम मंदिर रहा हो, तो ढेर सारे। इसीलिए उत्तर प्रदेश के साथ पूरे देश की जनता विश्वास के साथ एनडीए के साथ है। ये 2022 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी, अपना दल, ये 403 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ रही है। बाकी जो भी है आपस में बिना पेच के, बिना किसी असमंजस के, बिना किसी डिस्टर्बेंस के सभी वार्ता हो चुकी है 2022 के जीत के लिए। जीत के लिए, सीट के लिए नहीं, जीत के लिए चर्चा होती है, और उस जीत की चर्चा में जो जो हम लोगों को उत्तर प्रदेश की पिछली सरकारों ने किस तरीके से भेदभाव के साथ कोई योजना जाता था तो उत्तर प्रदेश लखनऊ से उसकी लिस्ट जाती थी। मोदी जी हैं, योगी जी हैं, हर वर्ग हर जाति को, कोई ऐसा वर्ग कोई जाति ऐसी नहीं कह सकती है कि हमें उस योजना का लाभ नहीं मिला। खासकर महिलाएं जो उपस्थित थी उत्तर प्रदेश की योजनाओं के लाभ में, महिलाओं को विशेष अवसर दिया गया कि उन्हें भी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए योजना उन्हें बिना भेदभाव का। उत्तर प्रदेश के लोग तरसते थे कि किसी भी, चाहे थाने में जाए, किसी विभाग में जाए, कि हमारे जाति का कोई क्लास 4 या क्लास 3 का व्यक्ति मिल जाता तो हम लोग भी अपनी बात अधिकारियों तक कह सकते थे। लेकिन अब हमें उम्मीद है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हमारे जिस ढेर सारी आबादी मछुआ समुदाय की है, इनके साथ अति पिछड़ी जाति, पिछड़ी जातियां हैं, उनके जो मुद्दे थे, चाहे वो संवैधानिक मुद्दे हों, चाहे आर्थिक मुद्दे हों, चाहे राजनीतिक मुद्दे हों, भागीदारी देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने, उसे हल करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया और सही टू द पॉइंट। पिछली सरकारें ऐसा करती थी 30 साल से कि हमें पिछड़े से निकालती थी और हमें कोर्ट से स्टे लगाकर उनके सारे हिस्से पर कब्जा कराती थी। कम से कम अब सही दिशा में प्रयास हो रहा, चाहे वो आरजीआई की तरफ से हमारा पत्र हो, आरजीआई के द्वारा, चाहे ऊपर का जहां उचित स्थान है जहां से हमें न्याय मिलना है, उन विभागों को बुलाकर भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बताया कि इस एक विशेष वर्ग के 66 समूह अनुसूचित जातियों में जो है, पिछड़े में जो है, इनके साथ बहुत भेदभाव हुआ है, संविधान में लिखा हुआ था लेकिन उसके बाद भी इन्हें अवसर नहीं मिला। मैं उम्मीद के साथ कहता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि 2022 में एनडीए ने जो भी सीट निर्धारित की है जीतने की, उससे अधिक सीट देने का, जीत दर्ज कराने का काम डॉक्टर संजय निषाद पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। इस बातचीत के दौरान जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि जिस तरीके से सभी चीजों पर, सभी वर्गों के लिए, सभी शोषितों वंचितों के लिए चिंता भारतीय जनता पार्टी करती, पिछली सरकारों ने चिंता की होती
तो 2014 से उत्तर प्रदेश में उन्हें करारी हार नहीं देखनी पड़ती। भारतीय जनता पार्टी चिंता करती है, उस पर चिंता करने पर चर्चा करती है, लागू करती है, जो कुछ भी बाकी रह गया है चर्चा के दौरान जो भी आता है आएगा, उसे हम लोग 2022 के चुनाव के बाद उसे लागू करके दिखाएंगे। धन्यवाद। देखो, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे सहयोगियों ने, निषाद जी ने बहुत आर्टिकुलेट किया है, एनडीए 403 के लिए चुनाव लड़ रहा है। बहुत धन्यवाद।